नकली टाइम बम और धमकी भरा पत्र भिजवाने वाला अभियुक्त को जवाहरनगर थाना टीम ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। खुलासा डीसीपी ईस्ट प्रहलाद सिंह कृष्ण ने किया। उन्होंने बताया कि पंचवटी सर्किल स्थित शोरूम के मालिक ने जवाहरनगर थाने में 8 से 10 लाख रुपये रंगदारी राशि मांगने के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीसीपी अश्वनी कुमार और एसीपी आदर्श नगर नील कमल के निर्देशन में एसएचओ जवाहरनगर थाना पन्नालाल के नेतृत्व में टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज के और मुखबिरों के जरिए से दो जनों को किया गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने दिया पूरी तरीके से अंजाम। महिला सोहलिया और अनीस अहमद को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। टीम में ताराचंद सब इंस्पेक्टर, सुरज्ञान हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल शंकर उदय सिंह, महिला कांस्टेबल संतोष और विजय राठी रहे। उस भूखा वाली महिला ने उसे गिफ्ट पैक और 50 रुपये देते हुए अपना सामान पहुंचाने के लिए कहा था, तो सामान्य रूटीन में वो छोटी सर्किल पे स्थित शोरूम मालिक को जाकर उसने वह पैकेट दिया, तो उस पैकेट के साथ एक पत्र भरा हुआ था। शोरूम संचालक ने पढ़कर वापिस उसे दे दिया कि जिसने दिया उसी को वापस दे दिया। तो वह ये शिक्षा संचालक वापिस मामा के होटल की तरफ आया, तो गुटके वाली महिला नहीं मिली, तो वह मामागढ़ कच्ची बस्ती में रहता है वहाँ चला गया। उसने देखा कि बच्चों के जो बैग काम आते हैं, वहाँ जाकर उसको कुछ अपने मकान पर जाकर संदिग्धता प्रतीत हुई। डब्बे का वेट भी कुछ ज़्यादा था, तो उसने नीचे वाली साइड में जो नाला है उसमें पैकेट को फेंक दिया और जाकर अपने घर पर सो गया। इसी के दौरान बीच में जो शोरूम के संचालक है उन्होंने पार्षद उस इलाके के नीरज गुप्ता है उनको इस घटना के बारे में बताया कि इस तरीके से मुझे एक पत्र मिला था जिसमें कि मुझसे फिरौती मांगी गई है, वरना बम से उड़ा देने की धमकी भी दी गई है। पार्षद ने 8:15 के दरमियान थाना अधिकारी से टेलीफोन पे 12 तारीख की 8:30 बजे के बीच में टेलीफोन से यह सूचना दी, तो थाना अधिकारी ने उसे टाइम यहाँ की स्पेशल टीम एवं समस्त थाना स्टाफ को इस काम में गंभीरता को समझते हुए लगाया, तो मध्यरात्रि तक टीम ने अच्छी मेहनत और अपने कौशल का परिचय देते हुए रिक्शा मालिक को चिन्हित कर लिया, ये रिक्शा संचालक मालिक को चिन्हित कर लिया, और साथ में ही जब उससे उस संदिग्ध बैग डब्बे जो बैग के लिए पूछा गया तो उसको भी इन्होंने दस्तयाब कर लिया। फिर जो भी एहतियातन होती है उसको सुरक्षित रूप से रखाया गया। इनको भी लगा कि कुछ इसके अंदर विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हमारी पीडीएस टीम्स और स्टेट पीडीएस टीम।